मालिक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मालिक साहब, इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी कमजोर वजीर आजम है और मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, मेरा ख्याल है जो आज इलेक्शन की डिमांड आई है, ये इमरान साहब को मुझे लग रहा है कि खतरा लग रहा है कि ये अब जो प्रोसेस हो रहा है अकाउंटेबिलिटी का, उसको फ्रस्ट्रेट किया जाएगा, उसको ये डिले किया जाएगा और उसको किसी मंत्री अंजाम पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फैसला कर लिया है कि हम इसको नहीं पहुंचने देंगे, तो इसलिए वो अब दूसरी एंगल पे जा रहे हैं ताकि ये, वरना अगर अनसर्टेनिटी चलती है या लंबा खींचता है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, तो इसका फायदा सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी जमात को होगा, क्योंकि उससे एक पब्लिक में बदगुमानी बढ़ेगी कि देखें ये प्रोसेस कहीं नहीं चल रहा, ये तो लगता है कि खाली एक बंदे के खिलाफ रिच हंटिंग थी एंड अलॉट मोर। तो इसलिए मुझे इसमें इस वक्त नए इलेक्शन की जो मांग है वो इस चीज का अंदिया दे रही है कि उनको ये खतरा शदीद हो गया और उसको और तकवीत मिली जब उनको पता लगा कि साकदार भी वापस आ रहे हैं। आपको पता है साकदार गए थे कुछ दिन पहले और वहां जाके हमारी बात के मुताबिक, मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था, उनकी काफी खुली, जिसको कहते हैं खुली बात हुई थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से, जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया था कि वो अकेले बोझ नहीं उठाएंगे हुदैबिया का या किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का, या वो भी बाहर रहेंगे और वो वापस इसी शर्त पे आएंगे कि अगर उनके साथ भरपूर उनको सपोर्ट तावन गवर्नमेंट का और खुद मियां साहब का हो। तो क्लियरली कोई ना कोई इससे बात बड़ी है और उस वजह से इमरान खान को भी अंदाजा हो गया है कि ये अब अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के रास्ते में हर किस्म की रुकावट खड़ी की जाएगी और इसके शायद उन्होंने एक नया पोलिटिकल मूव किया है।